स्वागत है, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने खेल से एक बार फिर से वो करिश्मा दिखाया है जिसे देखने के बाद दुनिया के साथ साथ पड़ोसी राज्यों की अगर बात कर ली जाए अपनी खेल नीति को लेकर दोबारा से विचार करने लगे हैं। जहां सरकार से लेकर मंत्रियों और अधिकारियों तक अपनी खेल नीति का बखान करते नहीं थकते, तो वही इस खेल नीति में खिलाड़ियों को खामियां नजर आई है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को लेकर मचे बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने इन खिलाड़ियों का सम्मान समारोह ही रद्द कर दिया है। इनामी राशि को लेकर पदक विजेता खिलाड़ी दो धड़ों में बटे नजर आए। ज्यादातर खिलाड़ी राज्य सरकार की खेल नीति के मुताबिक पुरस्कार राशि हासिल करने को तैयार थे, जबकि कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि काट कर देने पर कड़ी आपत्ति थी। अब यही विरोध सरकार के कार्यक्रम में खलल डाल रहा था, जिसके बाद हरियाणा के मुखिया और खेल मंत्री के बीच हुई बैठक के बाद इस कार्यक्रम को रद्द ही करना पड़ा। हरियाणा के खिलाड़ियों के मेडल्स लाने के बाद हरियाणा में बवाल मचा है। सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था, तैयारियां भी जोरों पर थी, और इसी बीच हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रद्द कर दिया जाता है। जो कल सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था उसको रद्द कर दिया गया। हमने फोन किया था, पता चला फिर वो वापस गए। क्या वजह है? हमारी जो खेल नीति है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने इनाम केवल जो हरियाणा से खिलाड़ी खेले हैं उनको देने हैं, जो हरियाणा से खिलाड़ी नहीं खेले हैं उनको भी, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनको जो मिलने वाली इनाम की राशि है उससे जो उनको उनके डिपार्टमेंट से राशि मिलती है उसको कम करके उनको भी इनाम दे दें। लेकिन इसका कुछ खिलाड़ियों ने विरोध किया। गोल्ड कोस्ट में हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य सरकार की उनके स्वागत के लिए रखे गए कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया था। इन खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा, बॉक्सर मनोज कुमार, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम शामिल हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में कटौती करने का मन बनाया। इसी बात से मेडल विजेता खिलाड़ी नाराज दिखे। हरियाणा सरकार की नीति के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले एथलीट्स को सरकार की ओर से 1.5 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने फैसला ये किया कि जो खिलाड़ी किसी सरकारी संस्था में नौकरी कर रहे हैं उन्हें सरकारी संस्था की ओर से पुरस्कार के रूप में जो भी राशि मिलेगी राज्य सरकार अपनी ओर से उतनी राशि कम करके खिलाड़ियों को देगी। और इसी मसले पर पदक विजेता विनेश फोगाट का ये कहना था कि वो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा का ही नाम उन्होंने रोशन किया है। कि मैं हरियाणा से हूँ और हमेशा से हरियाणा से रहूँगी, हरियाणा से खेले हूँ, इंडिया से खेले हूँ और ये आइडेंटिटी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं रेलवे में जॉब करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ। और सेंटर की जॉब है, अगर एज ए एथलीट अगर मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे फ्यूचर के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी। और मैं रेलवे में हूँ तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप हरियाणा में मुझे अच्छी जॉब दो, मैं वहाँ पर ज्वाइन करूँगी। और मैं हरियाणा से हूँ, मैंने हरियाणा के लिए मेडल जीता है, मैंने अपने देश के लिए मेडल जीता है। और अगर ऐसी कोई घोषणा है तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एज ए एथलीट मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ। कांस्य पदक जीतकर लौटे बॉक्सर मनोज कुमार ने भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा फैसला नहीं किया, राज्य सरकार नौकरी पहले ही नहीं दे रही और अब पुरस्कार राशि में भी कटौती की जा रही है। और वहीं विपक्ष सरकार पर खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की बातें कहता नजर आ रहा है। सरकार की खेल नीति की आलोचना हो रही है। ये उनकी मेहनत का और लगन का नतीजा है, आज हमारा बहुत सिर ऊंचा उन्होंने किया है। और ये भी बात ठीक है आपकी, 3.5 साल तक कोई नौकरी नहीं दी है तो ये हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन बच्चों को जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत, अपनी मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुँचे। जहाँ तक सरकार की बात आती है कि अब 3.5 साल तो हो गए पॉलिसी सुनते हुए, अब पॉलिसी बना कर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?
सच्चाई ये है कि इनको अभी तक पॉलिसी बना देनी चाहिए थी। 3.5 साल हो गए हैं, पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई है? इसका मतलब ये है कि ये खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार के अपने दावे इनामी राशि बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए बेहतर नीति बनाने के, और वहीं विपक्ष को सरकार खिलाड़ी विरोधी लगती है। लेकिन अब रेलवे की ओर से खिलाड़ियों की इनामी रकम में कटौती से सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि रेलवे की ओर से खेले खिलाड़ियों का इनामी राशि कटौती पर सम्मान का बहिष्कार करना कितना जायज है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार खिलाड़ियों के विरोध के बाद फैसले में बदलाव कर सकती है, या फिर खिलाड़ियों के रोष का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना था, आमंत्रित भी कर दिया गया था विभाग की ओर से, सरकार की ओर से। वहीं मनु भाकर के पिता जो कि पानीपत पहुंच चुके थे, पंचकुला पहुंचने वाले थे पूरे परिवार के समेत, खबरें अभी तक ने उनको जानकारी दी कि कार्यक्रम रद्द हो चुका है। उसके बाद उनकी ओर से क्या कहा गया वो सुने। अभी पानीपत तक आ गए थे, जो कल का फंक्शन है पंचकुला में खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। तो जैसे कि मनु अभी कोरिया में गई हुई खेलने के लिए, तो मैं, मनु की मम्मी, मनु के भाई, हम सब आज पंचकुला पहुंच के कल सुबह अटेंड करना था, लेकिन अभी अभी टीवी और न्यूज़ के माध्यम से जो खबर आई है अभी फ़ोन पे, उससे पता चला कि भाई ये फंक्शन हरियाणा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। वजह हमें अभी तक नहीं पता है कि क्यों कैंसिल कर दिया है, तो अभी पानीपत से हम लोग वापस जा रहे हैं। तो मनु भाकर के पिता को आपने सुना, पानीपत से वापस हो गए हैं, पंचकुला पहुंचने वाले थे पूरे परिवार के समेत। इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे बड़ी बात में कि खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है। कुछ खिलाड़ी हैं जो कि सरकार से नाराज हैं, सरकार की खेल नीति में खामियां नजर आती हैं, सरकार उनको मनाने में नाकामयाब अभी तक साबित हुई है। साथ ही जिस तरह की सरकार के विभाग के और मंत्री के मूड की बात कर ली जाए, तो झुकने या फिर खेल नीति में बदलाव करने के मूड में अभी तक नजर नहीं आते। चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी साहब हैं, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढिंगरा जी हैं, हरियाणा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में हैं, साथ ही इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्री साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गुरमीत सिंह जी हैं, और कोच हैं हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। इस चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। भाटी साहब, क्या कारण रखे कि खिलाड़ी नाराज हैं? आप लोग सम्मानित करने की बात करते हैं, खिलाड़ियों को लगता है कि सम्मान दिए जाने में भी नाइंसाफी कर रही है सरकार। ज्योति जी, देखिए, जो हरियाणा की जो खेल नीति है उसके अनुसार तो जो खिलाड़ी केवल हरियाणा प्रदेश से खेले हैं केवल सम्मान की राशि उनको दी जानी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक उदारता का परिचय देते हुए जो खिलाड़ी हमारे हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं, और वो चाहे सरकारी किसी केंद्र सरकार की या किसी विभाग में वो कार्यरत हैं, तो उनको भी सम्मान देने का एक बहुत बड़ा काम सरकार ने ये किया है, और उसकी हमने घोषणा भी की, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की और मंत्री जी ने भी, और वही ये सम्मान की जो है कल दिया जाना था, लेकिन क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने विरोध किया है और इसको इसको जो है स्थगित किया गया है इस प्रोग्राम को, ये कभी भी हो सकता है स्थगित किया है। लेकिन इसके जानेंगे नौबत क्यों आई कि खिलाड़ियों ने विरोध किया, बायकॉट किया गया उसी सम्मान समारोह का जिसमें उनको सम्मानित किया जाना था, जिस कार्यक्रम में। देखिए, इस कार्यक्रम का जो जो क्योंकि जो हरियाणा से एक खिलाड़ी खेल रहा है, वो खिलाड़ी मान लिया उसने स्वर्ण पदक लिया, उसको 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है, और दूसरा खिलाड़ी वो हरियाणा से है और हमने अपनी पॉलिसी में एक बदलाव करके उनको सम्मान देना चाहा, तो उनको केंद्र सरकार से भी पैसा मिल रहा है, उनके विभाग से भी मिल रहा है, तो उसको वो राशि ज्यादा मिल जाएगी और हरियाणा के खिलाड़ी को कम। ये खिलाड़ी के साथ, जबकि दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये अन्याय नहीं होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के साथ। सरकार, इसलिए सरकार ने है, जब उपलब्धियों का जिक्र करने की बात आती है, जब मेडल के आंकड़ों की बात आती है, तो उन खिलाड़ियों को आप शामिल करते हैं उसी फेहरिस्त में कि हरियाणा की ओर से ये खिलाड़ी खेले, ये पदक लेकर आए, हरियाणा का, देश का नाम रोशन किया गया, लेकिन जब इनामी राशि देने की बात आती है तो उसमें कटौती क्यों? हमने देखिए, हमने मना कब किया है? हमने कहा है हरियाणा का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन देखिए, दो खिलाड़ियों को आप देखिए, एक वो खिलाड़ी जो हरियाणा के लिए खेला था
हरियाणा के कोटे में खेला है, दूसरा खिलाड़ी जो जो अपने विभाग या केंद्र सरकार के उसमें खेला है, तो दोनों के बीच ऐसा अंतर क्यों हो? ये किसी भी खिलाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा जो है एक अनजस्टिफाइड होगा, किसी भी कीमत पर उसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए इस कार्यक्रम को अभी स्थगित किया है। अत्रे साहब आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं, विपक्ष में आप बैठे हैं और आज जो है खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि जो खेल नीति है हरियाणा सरकार की उसमें एक खोट है। देखिए ये हरियाणा प्रदेश के खेलों के इतिहास में मैं तो कहूँगा एक काला अध्याय है। जिस तरह से खिलाड़ियों के सम्मान के लिए प्रोग्राम आयोजित करना और उस प्रोग्राम को बिना उन खिलाड़ियों को सूचित किए रद्द कर देना, सरकार का निकम्मापन तो यहाँ जाहिर होता है कि अगर आप प्रोग्राम रद्द कर रहे हैं और वो भी एक दिन पहले, एक दिन पहले, तो कम से कम उन खिलाड़ियों को इस बात की जानकारी आप दें। तो सरकार तो इतनी निकम्मी है कि वो जानकारी नहीं दे पाती है। और दूसरी बात, अभी ज्योति ने भी जिक्र किया था और मुझे अच्छी तरह याद है, जिस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए, खिलाड़ी पदक जीत के आए, हरियाणा सरकार ने पूरे समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में मुख्यमंत्री जी के साथ उन सभी खिलाड़ियों के फोटो चस्पा हुए जो चाहे रेलवे से खेल रहे थे लेकिन हरियाणा के थे, जो चाहे सेना से खेल रहे थे परंतु हरियाणा। अच्छा अतर साहब, ये सवाल भी है कि जब अनिल विज साहब समझा रहे हैं कि जो राशि है हम तो समान दे रहे हैं, एक जैसी दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे से 50 लाख दी जाए या 25 लाख, बाकी जो मिलाकर है या काट कर है जो हरियाणा सरकार देगी, इसको आप किस तरह से? केवल पहली चीज तो ये है कि जो खेल पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसका बार बार सरकार जिक्र करती है और अपनी पीठ थपथपाती है, इससे एक चीज तो स्पष्ट समझ में आ गया कि पॉलिसी के अंदर खामी है। लेकिन पॉलिसी के अंदर ये स्पष्ट है कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन यहां खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ी चला जाता है तो वो प्रदेश का नहीं, वो देश का खिलाड़ी हो जाता है, वो देश का सम्मान बढ़ाता है, देश का नाम रोशन करता है प्रदेश के साथ साथ। तो यहां सरकार का सोचने का नजरिया संकीर्ण है। संकीर्ण मैं इसलिए कहता हूं कि आप बात कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी को आपको 1.5 करोड़ देना है, आप 50 लाख काट के उसको 1 करोड़ दोगे, मतलब 50 लाख कम दोगे। अब दूसरी तरफ आप 1700 करोड़ रुपया गोल्डन जुबली पे पैसे की तरह बहाते, पैसे को पानी की तरह बहाते हो, आप सरस्वती के नाम पे करोड़ों की लूट कर लेते हो, गीता जयंती पे करोड़ों रुपए की लूट कर जाते हो, तब आपको समझ में नहीं आता, तब आपको पैसे का महत्व पता नहीं लगता। लेकिन जब खिलाड़ी का सम्मान करने की बात आती है तब आप इस तरह की संकीर्ण बात करते हो, बड़ा अचंभित करता है। कांग्रेस को कैसा लगता है सरकार का ये फैसला जिसमें ये कहा जाए कि खिलाड़ियों के साथ इनामी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से रकम दी जाएगी? देखिए जो जब हमारी सरकार थी तो ये पॉलिसी स्पैट थी और स्पैट के अंदर सारे अमाउंट का सीन था, उसके अंदर हम पूरी अमाउंट देते थे, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो, राष्ट्रीय मंडल खेल हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, राष्ट्रीय की सेफ खेले हो या नेशनल चैंपियनशिप हो, उसके अंदर हमने एक राशि तय की हुई थी, वो पूरी की पूरी राशि हर प्लेयर को मिलती थी, चाहे वो सेंटर से आए, चाहे वो हरियाणा से आए, जिस तरीके से भी वो आए वो हरियाणा का होना चाहिए, उसको हम पूरी राशि देते थे। इन्होंने आते ही उस जो स्पैट था उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज करके एक नई पॉलिसी बना दी जिसके अंदर ये मापदंड प्रावधान कर दिए। तो ये हरियाणा के लोगों के साथ सीधा सीधा धोखा है और ये हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ ये इन्होंने धोखा अब शुरू हो गया और सब लोगों के सामने आने लग गया। अब खिलाड़ियों को भी पता लगने लग गया कि उनके साथ जो नीतियां भाजपा की सरकार ने अच्छे दिनों की बनाई थी वो अच्छे दिनों की नहीं है, अब वो धोखे की राजनीति है और धोखे की नीतियां थी, इसी वजह से ऐसा काम शुरू हुआ। जहां तक अभी भाटी जी ने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये काम तो पहले ही हो रहा था, इन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, इन्होंने उनकी राशि काटने का बड़ा काम कर दिया। और एक और दूसरी बात है, माप तोल करने लग गई सरकार, आप ये देखें किस तरह से माप तोल कर रही है, ये इसको पैसे वहां से मिले हमने काटेंगे, ये माप तोल कर रही है। आप जो अगर मान लो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कहीं बाहर से, यानी दिग्रह साहब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खोट है, खोट है आपको लगती है? देखिए अगर मान लो उसको अमाउंट किसी और प्रदेश ने भी अगर सम्मानित कर दिया और वो हरियाणा का खिलाड़ी है कहीं दूर जाके बस गया और दूसरी स्टेट में उसको सम्मानित कर दिया, सरकार तो ये सरकार काटेंगे उनके पैसे। आपकी जो सरकार रहेगी उस पर ही आरोप लगते रहे, अभी भी बीजेपी बोल देती है पैनल पर भी, हो सकता है भाटी साहब कह दें कि जो नौकरियां दी गई उसमें कहे क्षेत्रवाद का भी जहन में रखा गया, साथ ही भाईचारे की बात कर ली जाए, या जिन अपनों को आप लोगों ने पिक किया जिनको नौकरी देनी थी वो नौकरियां दी गई, ये आरोप लगते रहे हैं। अभी निष्पक्षता के साथ कैटेगराइज किया गया कि किसको कौन सी कैटेगरी में नौकरी दी जानी है, खेल नीति में अगर अंतर की बात कर रहे हैं? देखिए जब हमारा टाइम था उससे पहले तो किसी भी प्लेयर को नौकरी दी ही नहीं गई, जहां तक हमने नौकरियां दी तो कितने ही डीएसपी लगाए। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जब आई तो खिलाड़ियों को तभी नौकरी मिली है?
खिलाड़ियों ने जो जिन्होंने मेडल लिए हैं जिन्होंने जीते हैं क्या गीता फोगाट ने मेडल नहीं लिया था? आपको नहीं नहीं ये भी बता दीजिए क्या गीता फोगाट ने मेडल नहीं लिया था? उसको किस लिए तुमने जो है नौकरी नहीं दी ये भी जरा बता दीजिए। बता देता हूँ आप सुनिए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने कितने लोगों को नौकरियां दी इसकी एक फेयर लिस्ट है बहुत बड़ी। जिस हिसाब से हमने नौकरियां दी आपको ये बताऊं मैं उसके अंदर कितने ही लड़के हैं जिसको जो पर्वतारोही थे ममता सोडा थी रमेश गुलिया थे सुशील थे विजेंद्र थे योगेश्वर दत्त हैं अखिल कुमार हैं जितेंद्र कुमार हैं जिनको हमने डीएसपी के पद की सम्मान की पूरी बात की जाएगी चर्चा के दौरान। ममता सोडा का आपने जिक्र किया कई नाम ऐसे हैं जिसको लेकर अशोक खेमका की ओर से भी सवाल खड़े किए गए कि कोई नीति नहीं थी इस तरह की कि माउंट एवरेस्ट पर कोई चढ़ता है या पर्वतारोही जो है उसको अगर नौकरी दी जाएगी कौन से रैंक पर कौन सी कैटेगरी में दी जाएगी सरकार को जो पसंद आए उनको नौकरी दी गई। देखिए ऐसा है ज्योति पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर दूं ढिंगरा साहब की कि खेल नीति में पहली बार खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण रहेगा प्रावधान रहेगा 3% का वो हमने किया था ये शायद इनको नहीं पता था। लेकिन एक चीज बड़ी हैरान करती है हरियाणा में रिवायत है हरियाणा में तो जब कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में कुछ इनाम पदक जीत के लाता है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर है तो लोकल स्थानीय स्तर पर भी उसको सम्मानित किया जाता है। और यहाँ तो ये भी रिवायत है कि पंचायतें लोकल लेवल पे लोगों से फंड इकट्ठा करके नगद राशि तक खिलाड़ियों को देती है उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की हरियाणा प्रदेश की रिवायत रही है। तो कल को तो ये सरकार कहेगी फला खिलाड़ी को लोकल स्तर पे 50 लाख मिला तो वो भी काट लीजिए उसका। तो ये जो सोच है ये हैरान करने वाली है मुझे तो लगता है ये थोड़ी संकीर्ण मानसिक रूप जी आपको क्या लगता है जैसा कि डिंगरा साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई में खिलाड़ियों के साथ एक धोखा आप मानते हैं? देखिए निश्चित तौर पर अभी अभी खेल संपन्न हुए और उसके बाद इतनी कम अंतराल के बाद अभी कार्यक्रम होना था उससे एक दिन पहले अगर खिलाड़ियों को बाहर आके कुछ कहना पड़ा है तो मैं निश्चित ही अगर आप मुझे पूछेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और अगर खिलाड़ी ये करने पे मजबूर हुए तो सरकार को सोचना चाहिए और शायद इसीलिए उन्होंने ये कार्यक्रम स्थगित भी उन्हें करना पड़ा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उनको गुड सेंस प्रिवेल करे। जहाँ तक पैसे की बात है जो अभी भाजपा के हमारे साथी तर्क दे रहे थे कि क्योंकि उनको वहाँ से मिल जाएगा जी और अब ऐसे तो फिर आप कहें कि जी कोई जो है उसकी जो है नौकरी वहाँ थी या कोई फलाने परिवार में पैदा हुआ है तो उसके पास पहले से इतना पैसा है तो अब हम उसको कम देंगे तो ये तो बात नहीं जमती। आप सरकार के तौर पे आपने एक अनाउंसमेंट की उनको आप उस हिसाब से पैसे दे सकते हैं। और खिलाड़ी अगर 11 खिलाड़ी 11 एक छोटा नंबर नहीं होता और अगर वो 11 खिलाड़ी इस बात से उन्हें दुख पहुँचाए या और ख़ास तौर पर आप जैसे कहते हैं अपने हाथ से आप श्रेय जाने दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी कई सालों से ऐसा लग रहा था कि जो प्रदेश पड़ोसी प्रदेश बल्कि पुराने समय में तो ऐसे विवाद तक हुए कि दूसरे राज्यों के लोगों ने ये कहा कि हरियाणा की पॉलिसी अच्छी है और फिर उनके राज्यों को वो करना पड़ा। तो अगर आज हरियाणा का इतना अच्छा एक गुडविल बन रही थी और खेलों में निश्चित तौर पर रिजल्ट भी सामने आए हैं तो वो चाहे किसी भी सरकार ने जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं इनके टाइम पर आरक्षण हुआ या बाद में कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ये कैश इंसेंटिव देने की कोशिश की कुछ डिस्प्यूट जैसे आपने जिक्र किया ये जो मामला है इसे इस तरह से टाला जा सकता था क्योंकि इससे जो हरियाणा ने गुडविल जनरेट की फिर उन इश्तियारों का क्या मतलब रह गया जिनकी आप अभी बात कर रहे हैं। अगर खिलाड़ी इस देश में खास तौर पे तमाम मुश्किलों विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी आगे बढ़ते हैं हाँ। तो कोई भी ऐसी चीज जो उनका मनोबल तोड़ती मैं कहता हूँ चलिए थोड़ा बहुत आपको रैशनल तरीके से लगे लेकिन बहुत रास्ते हैं सरकारों के पास और आप दिखा लीजिए नियम कानून और जगह पे खिलाड़ियों के मामले में कम से कम फिराक दिल ही रखिए बड़ा दिल रखिए खासतौर पर तब जब हरियाणा पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है कि जहाँ से इतना नंबर पंजाब आप देखिए पंजाब के लोग हम लोग कहीं पहले भी एक डिबेट में गए थे पंजाब के लोग बड़ा इससे व्यथित हैं एक समय पंजाब बड़ा आगे था और हमें आज ये मानना पड़ेगा कि चाहे नशे की वजह से या जो भी वहाँ पर समस्या है हरियाणा बहुत आगे है। तो ऐसी कोई भी स्टेप जो उस मनोबल को तोड़ सकता है वो नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश जी आपको क्या लगता है एक कोच के नाते जो रकम को लेकर इनामी राशि को लेकर जो नापतोल किया जा रहा है क्या खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाला है? ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई ये कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि प्लेयर्स इस लेवल पे मेडल लेके आए हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए था ना कि उनको मायूस करना चाहिए था। ये सब पॉलिसी में बदलाव करना था या पॉलिसी को पहले ही डिसाइड करना चाहिए। जब ये हमारा कोई भी कंपटीशन आता है उसमें कोई भी चीज़ काट छाट या बदलाव नहीं होना चाहिए। जो आपने पहले बनाया उस पर आप अडिग रहिए पॉलिसी एक बार बनाइए उसमें बिल्कुल क्लियर बनाइए ताकि प्लेयर्स को ये आइडिया रहे कि भाई ये पॉलिसी है हमारे हरियाणा कि इस पे
ये डिसाइड होना है, प्लेयर उस पर क्वेश्चन ही नहीं उठाए। ये क्वेश्चन उठता है मीन अगर पॉलिसी में कोई कोई क्यों बदलाव करते हैं, पहले ही डिसाइड करो उस पॉलिसी को। मैंने आज नहीं, मेरा बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, अभी हरियाणा में ऐसी चीज़ें पहले भी घटती रही हैं, आज भी घट रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्लेयर के लिए आप पॉलिसी बनाओ, एक कमेटी ऐसी बनाओ जिसमें टेक्निकल पर्सन को पूछा नहीं जाता, उस कमेटी में ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जिनको स्पोर्ट्स की कोई नॉलेज नहीं होती, और उसका मतलब सीधा सीधा जो है प्लेयर के जीवन पर फर्क पड़ता है। आप देखो कि ये सब कितना घट रहा है कि हरियाणा में हम इतनी प्लेयर को राशि दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसके बावजूद में परसों जो है 22 तारीख को मैं वहाँ पे दिल्ली में था खेलो इंडिया के सिलेक्शन के लिए, वॉलीबॉल के लिए। आप ये देखो, दो सेंटर हमने चुने, बेंगलोर और दिल्ली। दिल्ली में भीड़ वहाँ पे इतनी थी कि हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, और बेंगलोर में कोई बच्चा आया नहीं ट्रायल देने के लिए। क्यों नहीं आया? वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इतने हॉस्टल खोल रखे हैं प्लेयर्स के लिए, गवर्नमेंट ने इतने हॉस्टल खोल रखे हैं प्लेयर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए प्लेयर्स को सुविधा दे रखी है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हरियाणा में मेडल तो हम इतने लाते हैं, लेकिन कोई हॉस्टल ऐसा नहीं जिसमें ट्रेनिंग दे सके। विवाद या बवाल क्यों? भाटी साहब, अभी अत्री साहब को आपने सुना कि खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की इस तरह की कवायद बहुत पहले से रखी है, पंचायती स्तर पर बात कर ली जाए या बाकी किसी भी स्तर पर अगर सम्मानित किया जाएगा, सरकारें अभी ये देखेंगी कि कुल इनामी राशि खिलाड़ी के पास कितनी जा चुकी है, फिर सरकारों की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से जो राशि होगी उसमें कटौती कर ली जाएगी। बहुत सही है। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा की जो पॉलिसी है ये आज का जागरण है। आप देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पूरा देश और प्रदेश इसको देख रहा है, हरियाणा की पॉलिसी की इसमें जो है इसमें बड़ाई की है, प्रशंसा की है। अरे, इसका मतलब हरियाणा ने एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। ये जागरण का लेख है, हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जागरण का प्रशंसा बहुत है। सुनिए जरा, और बखान भी क्या लिखा हुआ है, देखिए हरियाणा, ये नीचे लिखा हुआ है कि जो हरियाणा का जो एक अच्छी और बेहतरीन पॉलिसी, सुनिए जरा। अब दूसरी बात आप समझा देंगे, सवाल सिर्फ इतना है, इनामी राशि कुल इतनी ही जानी चाहिए खिलाड़ियों के पास, ये सरकार सुनिश्चित करेगी, क्या ये बहुत सही है? अगर सही है तो बताइए। अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि पॉलिसी एक होनी चाहिए, पॉलिसी के हिसाब से तो जो खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के कोटे से खेला है केवल और केवल राशि उसको मिल सकती है, लेकिन फिर भी सरकार ने उदारता का परिचय दिया और उन लोगों को जो हरियाणा से हैं उनको इनामी राशि दी गई। दूसरी बात, इसका एक पहलू है जो शायद मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ओझल हो रहा है, आप लोग शायद उस पहलू को नहीं देख पा रहे हैं, कि जो खिलाड़ी हरियाणा से खेला उसको पैसा कम मिला, और जो किसी दूसरे विभाग से, केंद्रीय विभागों से या किसी और उससे खेला है उसको पैसा ज्यादा मिला। बात पंचायतों की नहीं है, वो तो देखिए भाटी साहब पूछ रहे तो जवाब दे दूं, आपका तर्क ले लिया भाटी साहब, अगर मैं आपके तर्क को मान लूं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो दूसरे खिलाड़ियों को ज्यादा इनाम मिल रहा है तो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों की इनाम राशि बराबर कर दीजिए, बजाय काटने के आप बढ़ाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। नीरज चोपड़ा एक जूनियर जो है खिलाड़ी है और वो भी जीत कर आए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा की तरफ से खेले, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जो सीनियर्स हैं जो कह रहे हैं वो ठीक ही होगा, मैं उनके साथ हूं। देखिए मैं बात पर क्या, बाटी साहब आप बार बार अखबार लहरा के बात कह रहे हो कि हरियाणा की स्पोर्ट पॉलिसी, बाटी साहब आपने बाई बात कही, आपने एक समाचार पत्र लहरा के बात बोली है कि हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी बेहतर है। आप जब ये बात कह रहे हो बाटी साहब, जो खिलाड़ी होता है ना ये प्रदेश और देश की धरोहर होता है, और स्पोर्ट्स जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे, ग्रास रूट लेवल पे उनको सुविधाएं दे। हमने इस चीज की शुरुआत की, अगले आने वाली सरकार ने समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी करना चाहिए, ना कि उसमें कटौती करना चाहिए। आप तो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए, आप उसमें कटौती करना शुरू कर दिया आपने। रुकेंगे एक बार के लिए, सुदेश मलिक है हमारे साथ, साक्षी मलिक की माँ फोनलाइन पर जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका सुदेश जी। हेलो, ये जो अभी सरकार की ओर से कहा गया, हरियाणा सरकार की ओर से, कि रेलवे की ओर से जो खिलाड़ी खेले हैं, पदक लेकर आए हैं, उनकी इनामी राशि में कटौती की जाएगी, उतनी ही कटौती कर दी जाएगी जितनी रेलवे की ओर से इनाम दिया जाएगा, कितना सही है जी? ये कितना सही फैसला है राज्य सरकार का? नहीं, ये फैसला सही नहीं है। मतलब हमारे जो खिलाड़ी है वो हरियाणा में, उनका जन्म हुआ है और हरियाणा के खिलाड़ी है, तो जो इनाम राशि जो घोषणा की हरियाणा सरकार ने वो ही दे,
उसमें कटौती नहीं की जाए, आज तक तो कभी कटौती नहीं हुई, तो आप कटौती क्यों? तो बच्चों का जो हौसला है वो नीचे ना बढ़ा के उनको ऊपर करें, ठीक है, और उनको राशि है जो पूरी दी जाए। चलिए आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, एक और सवाल करेंगे। भाटी साहब आप बोलिए। देखिए चलिए, ये उनका अपना तर्क है। देखिए सरकार जो चलती है वो लोक और जनकल्याण के लिए होती है। अभी बहुत सारी खिलाड़ियां, अभी जो संख्या जो आई है टोटल जो 22 खिलाड़ी हैं, सर आपको क्या नहीं लगता कि आप जो पैनल पर जवाब दें उससे खिलाड़ी खिलाड़ियों के परिजन संतुष्ट हो पाए, इतना सुनिश्चित करने की कोशिश करें? बिल्कुल, इतने हल्के एक बात कह के आप आगे निकलिए कि उनका तर्क हो सकता है, उसके बाद आपको जो जवाब देना है वो देना। नहीं नहीं, सुनिए जरा, देखिए सरकार का जस्टिफिकेशन ये है कि जो खिलाड़ी हरियाणा से खेला उसके साथ अन्याय क्यों हो? देखिए सरकार उसकी राशि बढ़ा दो, बात भी समझने की, उसकी राशि बढ़ा के बैल बराबर कर दो, अन्याय क्यों होना चाहिए? जो खिलाड़ी क्योंकि उतनी जितनी राशि उसको विभागीय दूसरे उससे मिली, अगर उसको काट के दी जाए तो हरियाणा से जो हरियाणा के कोटा से खेला उसको लगेगा कि भाई मेरे को भी उतनी ही राशि मिली है, और इसमें कहां जो है कहीं गलती है? स्थानीय स्तर पे जो राशि मिली खिलाड़ी को आप भी काट लोगे सरकार साहब? क्योंकि पॉलिसी में एक बदलाव करके उनको सम्मान देने की बात जो है हमारी सरकार ने ये की है, और बिल्कुल जस्टिस एक बात का जवाब दीजिए, कल को स्थानीय स्तर पे अगर किसी खिलाड़ी को कोई नामी राशि मिलेगी तो आप उसको भी काट लोगे? अत्रे जी, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे जो है उनको जगह जगह संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसको आप काट लोगे? सुनिए जरा, नहीं नहीं नहीं, उस राशि का कोई स्पेसिफाइड राशि नहीं होती, वो घोषणा होती है 50,000 हो सकती है, नहीं भी हो सकती, सोच तो इस तरह की लग रही है आपकी, तो सोच ऐसी लग रही है कि आप देंगे ये राशि पहले बताई हुई राशि है कि इतना हम देंगे, दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। केवल ढिंगरा साहब, ये खिलाड़ियों को बराबर राशि दिया जाना, उसके पीछे तर्क ये कि राज्य की ओर से जो खिलाड़ी खेले उनके साथ भेदभाव ना हो, कितना ठीक है ये? देखिए एक तो भेदभाव ये किया इन्होंने, और ये बात सारी चीज क्लियरिटी भी आ गई और समझ भी आ रही है। आप ये देखिए, पिछले दिनों एक साक्षी मलिक ने एक चाय पानी के प्रोग्राम, वहां पे जब वो जीती थी तो सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था वहां पे चाय पानी का और उसको सम्मानित करने का, तो उसके अंदर क्या हुआ, वो जो प्रोग्राम हुआ तो इन्होंने ये कहा कि सरकार जो है उसके पैसे नहीं देगी, वो साक्षी मलिक दे पैसे। आप देखिए किस तरह की सरकार की जो संकुचित जो है मानसिकता है वो सीधी सीधी समझ में आती है, और ये बात बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ऐसे किया वैसे किया, अरे कहां किया, आपने पैसे जो काटने शुरू किए हैं, जो माप तोल शुरू कर दिया है, जो है। आप हर चीज को दोनों नजरों से आप देखते हैं, उस तरह से आपने साक्षी मलिक के साथ व्यवहार किया। वो खिलाड़ी देश के लिए जीत के आती है, आप उनके साथ ये कहते हैं कि आप पैसे दो, उनके चाय पानी के पैसे भी जो है वो खिलाड़ी दे, तो ये किस तरह की ये सरकार की सोच है ये सामने आ रही है लोगों के। साक्षी मलिक को तो सोशल मीडिया पे आना पड़ा था, जो वायदे किए थे सरकार ने जब पूरे नहीं किए तो सोशल मीडिया पे आना पड़ा, तब जाके सरकार जागी। ये जलपान का और मंत्री जी को चाय पिलाने की जो पूरा कार्यक्रम था, विभाग की ओर से राशि नहीं दी गई, इसके पीछे की कहानी क्या थी आपसे जाने के? सुदेश मलिक जी आप है फोन लाइन पर। मंत्री जी जलपान के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि आप लोगों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, पैसे आप लोग देंगे। हाँ जी, ये जब स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम किया था छोटरा स्टेडियम में, तो हमारे को तो ये भी नहीं पता था किसने प्रोग्राम कर रखा है, क्या कर रखा है प्रशासन का, कुछ भी नहीं। तब पैसे की बात आई तो उधर से सरकार की तरफ से आने लगा कि साक्षी मलिक पैसा देगी, तो साक्षी मलिक किस बात की चाय पानी का दे? अगर साक्षी मलिक ने खुद ही प्रोग्राम किया हो अरेंजमेंट सारी से, तो साक्षी मलिक देने के लिए तैयार है। बाकी प्रशासन ने किया, सरकार ने किया, वो अपना अमाउंट है जितनी भी टैंक की कितनी उनका दे, वो आज तक ऐसे पीछे लगे हुए बेचारे सब लोग, किसी की अमाउंट रुकी पड़ी है। सुदेश मलिक जी आपसे मेरा एक सवाल है, आप साक्षी मलिक की माँ है और हमें गर्व है कि आपकी बेटी ने किस तरह से हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है, ठीक बात है, क्या आपको नहीं लगता कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको कम राशि हो जाएगी आपकी बेटी की राशि बढ़ जाएगी, क्या उनके साथ ये भेदभाव नहीं है? बिल्कुल भेदभाव है और ये बहुत ही गलत है। जो राशि सरकार ने जो अनाउंसमेंट की है इसमें खिलाड़ी को, आप ये सोचिए गवर्नमेंट के 66 हमारे मेडलाइन, उसमें 24 हरियाणा के, एक तरफ से हरियाणा के, तो हरियाणा के ही हुए ना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी ऐसे जो विरोध कर रहे थे, 11 ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हम नीति से संतुष्ट हैं, हमें जो इनाम मिल रहा है हम लेंगे, लेकिन जो 11 बाकी खिलाड़ी थे जिसमें साक्षी मलिक भी जरूर शामिल होंगी, वो कह रहे थे कि हम इसका विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं सम्मान समारोह का, लेकिन जो बाकी 11 खिलाड़ी हैं उनको तो कम राशि मिलेगी ना, आपकी बेटी की राशि तो 2 करोड़ हो जाएगी, उनकी 1.5 करोड़, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनके साथ भेदभाव नहीं है जी, उनके साथ बिल्कुल भेदभाव, साक्षी भी है, उसमें साक्षी भी है,
इस भेदभाव वाली राशि में सख्ती भी है, ठीक है, और जो ये भेदभाव है बहुत ही गलत है, सबको बराबर राशि मिलनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं उनको भी 2 करोड़ और उनको भी 2 करोड़। जी मतलब सबको बराबर मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मेडल है, जो अलाउंस में है मेडल, उसके हिसाब से राशि। आपका सवाल, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है राशि देने की, वो पूरी राशि सरकार क्यों नहीं दे रही, उसके अंदर कटौती क्यों सरकार करेगी, इश्यू ये है। और सरकार जो है पूरे अमाउंट तो सरकार को देनी चाहिए, सरकार चाहे रेलवे ने अमाउंट दिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, अगर मान लो कोई दूसरी स्टेट खिलाड़ी को पैसे देती है तो वो दूसरी स्टेट का जिम्मा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई हुई है वो पूरे पैसे सरकार खिलाड़ी को क्यों नहीं दे रही, ये इशू है, उनको देने चाहिए पूरे पैसे। वैसे भी देखिए ये जो बार बार तर्क दिया जा रहा है ना सरकार की तरफ से कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ अन्याय है जो सिर्फ हरियाणा से खेल रहे हैं या और किसी संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन खिलाड़ियों ने इनको लिख के दिया कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या इन्हें अपने आप ही इन्होंने अनुमान लगा लिया? ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास आजकल आधार नंबर तो इन्होंने जरूर ले लिया होगा, तो उससे फिर पता कर लो कि भाई एक आदमी के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए, ये बराबरी करना आपका काम नहीं है कि किस खिलाड़ी ने कहाँ अपनी मेहनत से नौकरी अर्जित की और उसको कहाँ से। अब सायना नेहवाल आपको मालूम है वो हरियाणा से ताल्लुक रखती है लेकिन वो दूसरे राज्य से भी खेलती है, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि दोनों जगह से उनको पुरस्कार। हमें मैं कह रहा हूँ जितना दे सकते हो, जहाँ जितना दे सकते हो उसमें ये निर्णय या तो आपको खिलाड़ियों ने लिख के दिया हो, बिल्कुल आप अगर ऐसा सरकार हुआ, खुद से ही सरकार को भनक हो जाती है कि बाकी खिलाड़ियों को निराशा होगी, परेशानी होगी। अत्रे साहब बहुत छोटा कमेंट कीजिए। देखिए ऐसा ज्योति, सबसे पहली बात तो ये है कि खिलाड़ियों के प्रति सरकार का रवैया उदारतापूर्ण होना चाहिए, ना कि इस तरह से कट और कटौती की बात करनी चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले हरियाणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीता था कर्णव मल्लेश्वरी ने, उस वक्त हमारी सरकार थी, इनाम राशि उसको नगद दी गई, लेकिन जब चौटाला साहब को ये पता लगा कि उनके पास मकान की कमी, तो उनको प्लॉट तक दिया गया उसी वक्त मौके पे, क्योंकि सरकार अगर खिलाड़ियों की तरफ इस तरह का उदारता का रवैया अपनाएगी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करेगी, तभी खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करे। और यहाँ हो उल्टा रहा है, यहाँ बजाय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उनके पैसे में कटौती करके उनको हतोत्साहित करने की कोशिश हो रही है सरकार की। और हैरानी इस बात की है कि ये वही सरकार है। देखिए एग्जांपल और देता हूं, आपको याद होगा एक कुश्ती प्रतियोगिता करवाई जाती है सरकार की तरफ से, इनाम राशि होती है 1 करोड़, आरटीआई में जानकारी मिलती है, उसके ऊपर खर्चा आता है 10 करोड़, तो बाकी पैसा किसकी जेब में जाता है? सरकार ने तो खेल और खिलाड़ियों को बल्कि अपना पैसा कमाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, सवाल वही है कि नीति में खोट है या नियत में खोट है। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। भाटी साहब आपके पास ही आना चाहेंगे, क्या लगता है कि सरकार की फजीहत नहीं है कि एक दिन पहले मीटिंग होती है मुख्यमंत्री साहब की और खेल मंत्री जी की और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है, और मनु भाकर के पिता जो पानीपत तक आ जाते हैं, क्या उनको जो है अपमान सहना नहीं पड़ा है, वो वापस अपने घर जाएं जहां सम्मान लेने के लिए आते हैं? तो क्या माने कि सरकार को विचार नहीं करना चाहिए कि जो पॉलिसी है उसमें बदलाव हो, संशोधन आप एक बार फिर से करो? देखिए ये अपमान की बात नहीं है, ना ही हरियाणा प्रदेश में सरकार किसी भी खिलाड़ी का अपमान करना चाहती है, बल्कि हम तो सम्मानित करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने सर सवाल ये था कि खिलाड़ियों को जो नाम दिया है हम तो उनका सम्मान करना चाहते हैं। खिलाड़ियों के परिजन रास्ते में हैं, आप लोगों ने जो प्रोग्राम करना है उसको रद्द किया है या स्थगित किया है, क्या आपको जानकारी देना? कम्युनिकेशन गैप कहीं भी रह सकता है, मंत्री जी की जानकारी नहीं है, खबर अभी तक फोन करता है, कम्युनिकेशन गैप कहीं भी रह सकता है, वो उन तक खबर कैसे जल्दी नहीं पहुंची है, लेकिन इसको बिल्कुल समय से जो है स्थगित कर दिया गया था। दूसरी बात देखिए, हमने सम्मान बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है? कांग्रेस के समय ये 1 करोड़ राशि थी स्वर्ण पदक के लिए, जिसको हमने 1.5 करोड़ किया। 50 लाख की राशि रजत पदक के लिए थी, हमने उसको 75 लाख किया। 25 लाख की राशि कांस्य पदक के लिए थी, हमने 50 लाख किया। हमने तो सम्मान को और बढ़ाया है, हमने कम नहीं किया। और पॉलिसी में खाली उसके बावजूद भी सरकार ने उनको सम्मानित करने का जो है एक देखिए बात पता है भाटी जी, एक तो इस चीज़ को भूल रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देना एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, और एवोल्यूशन ऑफ मनी की वजह से जब हमारी सरकार थी उस वक्त ओलंपिक के स्वर्ण पदक के लिए 1 करोड़ की राशि रखी गई थी, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ मनी की वजह से जो पैसे की वैल्यू कम हुई तो स्वाभाविक है समय के साथ वो राशि बढ़नी चाहिए थी, और ये तो आपने कम बढ़ाई, इससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अभी एक बात इन्होंने कही अपमान की, मैं तो ये कहूँगा खिलाड़ी प्रदेश की धरोहर होती है, ये खिलाड़ियों का ही नहीं पूरे प्रदेश का अपमान किया है सरकार ने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने बोली थी
कि नीयत में खोट है या नीति में। साहब यहां नीयत में भी खोट है और नीति में भी। अगर नीति सही होती तो इस तरह के हालात नहीं बनते और खिलाड़ियों को इस तरह से अपमानित नहीं होना पड़ता। और नीयत में खोट तो मैं पहले बता चुका हूं। आप एक देखिए, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं और एक भी सरकारी नुमाइंदा वहां पे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं जाता, प्रोत्साहित करने के लिए नहीं जाता। कहां सो रहे थे ये लोग? दूसरा, जब रियो में ओलंपिक होता है तो उस वक्त खेल मंत्री जी जाते हैं, एक भी प्रतियोगिता में स्टेडियम में नहीं जाते, केवल बीच पे मौज मस्ती करके फोटो खिंचवा के वापिस आ जाते हैं। इस तरह की सोच है सरकार की खेलों खिलाड़ियों के प्रति। स्टेडियम में भी रहे थे उपस्थित? नहीं जी, नहीं स्टेडियम में नहीं गए थे। आपको बता देता हूँ, और साहब ने ये बात बोली थी, साहब का बयान आया था कि टिकट का अरेंजमेंट नहीं हुआ। साहब की जब बीच की फोटो आई तब उन्होंने ये कहा था कि टिकट का अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो भी साहब में बयान था ये, और उनके डिपार्टमेंट का अरेंजमेंट नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं क्या हालात है। खिलाड़ियों ने कहा है कि नौकरियां पहले ही नहीं दी जा रखी थी, अब इनामी राशि में भी कटौती कर रखी है सरकार। देखिए, इनामी राशि में जब हमारी सरकार आई थी तो उससे पहले 1 करोड़ राशि थी, हमने 5 करोड़ किया, जो स्वर्ण पदक था। जो 50 लाख थी उसमें हमने 3 करोड़ किया, जो कांस्य पदक वाली थी उसमें 25 लाख के 2 करोड़ किया। लेकिन वो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो प्रोत्साहन है वो दिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इस समय जो ये जो है आप भूल गए हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं आप, कॉमनवेल्थ की बात करिए ना। जो राशि आप बता रहे हैं वो आपकी ओलंपिक में थी, जिसको हमने बढ़ा के 5 का 6 किया है, 3 लाख का 3 करोड़, 5 करोड़ का खेल है ये बीजेपी ने शुरू किया। जो स्पैट नीति थी उसके अंदर बिल्कुल जो राशि तय थी वही दी जाती थी। इन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली के जो सेंट्रल सरकार पैसा देगी वो उसमें से काट दिया जाएगा। ये किसने शुरू किया? ये भाजपा की सरकार ने शुरू किया। ये पॉलिसी किसने बनाई? भाजपा की सरकार ने बनाई। आज जो वो लोग जो वापिस मुड़ रहे हैं, जो जिनको इंटीमेट नहीं किया जा रहा कि प्रोग्राम रद्द हो गया इस वजह से, गुरमीत जी अमाउंट उनकी कम कर दी गई, उनको देख लीजिए, उनको उनके लिए धोखा कुछ बीजेपी शायद उनसे भी जवाब लेंगे। सवाल इसमें ये तो है ही नहीं कि राशि किसने बढ़ाई, वो तो जैसे अभी प्रवीण भी कह रहे थे कि ऑनगोइंग बढ़ती हर तरह, और इन्होंने भी बढ़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये कि अगर आप किसी कार्यक्रम को ऐलान करके उसके बाद उसे ऐन मौके पर, जैसे आपने बताया कि लोग अपने घरों से भी चल चुके थे, और आप अगर रद्द करते हैं, चाहे वो किसी गफलत में करते हैं या आप अब उसमें आप उस वजह से बचना चाहते हैं या आप उसे रिकंसीडर कर रहे हैं निर्णय को, निश्चित ही उसमें सरकार की जो हैंडलिंग है वो गड़बड़ तो है ही। जो श्रेय आपको मिल सकता था, जो श्रेय हरियाणा के खिलाड़ियों ने आपको अवसर दिया था, उसको आपने एक तरह से गंवाने का काम तो कर दिया। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ से क्या इसके संबंध में कोई इनके पास लिखित वो आया था कि जी हमें, दूसरा तीसरी बात, आप इस तरह से बल्कि करके इस इशू को उठा के आपने एक तरह से खिलाड़ियों के बीच में एक विभाजन सा कर दिया कि एक वो खिलाड़ी जो हरियाणा का खिलाड़ी है रहने वाला और खेलता भी हरियाणा से है, एक वो खिलाड़ी जो हरियाणा का रहने वाला है लेकिन वो रेलवे से खेलता है। तो इस बात को आपने अलग अलग करने से एक आपने अनावश्यक विवाद, गुरमीत जी पॉलिसी में गड़बड़ी लगती है आपको? नहीं, निश्चित गड़बड़ी, क्योंकि अगर ये खुद मान रहे हैं कि पॉलिसी के मुताबिक तो हरियाणा के खिलाड़ी जो हरियाणा से खेलते हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा किया, इसका मतलब क्या हुआ कि वहीं पर इन्होंने ये मान लिया कि हम उस पॉलिसी से आगे जा रहे हैं? तो अगर आप, इसका मतलब कि आपने पॉलिसी में क्लियर प्रावधान, जैसे अत्रे जी बता रहे हैं बार बार, मैंने फ्रेंकली पॉलिसी पढ़ी नहीं है, अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो पॉलिसी वो केवल राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में है और उसमें, तो फिर निश्चित तौर पर उसमें खामी है, तभी ये स्थिति पैदा हुई। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज का निर्णय करना, अब कोई खिलाड़ी है वो हो सकता है 3 और जगह पे उसे मेडल मिल जाए, तो क्या आप ये कहेंगे उसको कि क्योंकि उसको वहां पे भी मेडल मिल गया इसलिए? ये निर्णय करना आपका वो नहीं, आप प्रदेश की तरफ से आपने सीधा आपने ऐलान किया कि भाई जो व्यक्ति लेके, तुलनात्मक रूप से सरकार की खेल नीति कैसी है अगर कुल मिलाकर बात कर ली जाए? नहीं, निश्चित ही हरियाणा की जो खेल नीति रही है वो निश्चित ही अन्य राज्यों की तुलना से तो बहुत, नहीं पिछली सरकारों की तुलना में, ओम प्रकाश जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कोच के नाते, आपको क्या लगता है पिछली सरकारों की तुलना में अभी जो मनोहर सरकार की नई खेल नीति है वो कितनी सही है? खेल नीति में सब कुछ क्लियर है तो उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, और कंट्रोवर्सी होती है तो मींस खेल नीति में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये पहले से ही मैं देख रहा हूँ। आप ये देखो कि भी
ऐसा हुआ है जैसे 2007 में इस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमारे तीन लड़के वॉलीबॉल के सिल्वर मेडल लेके आए, और सिल्वर मेडल लाने के बाद उन बच्चों को एक रुपया भी नहीं मिला। ऐसे मतलब उसको चेंज कर देते हैं कि भाई एक तरफ जो है कॉमनवेल्थ में मेडल आ रहा है तो उसको करोड़ रुपया मिलेगा, 1.5 करोड़ रुपया जो भी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में तीन लड़के वॉलीबॉल के मेडल सिल्वर मेडल लेके आते हैं, आज तक उसका कोई चर्चा भी नहीं है, उन बच्चों को कभी कुछ नहीं मिला। इसी तरह पॉलिसी में कभी भी उन्हीं लड़कों को, दो लड़के एशियन वर्ल्ड कप में बेस्ट स्कोरर बना, एक लड़का बेस्ट ब्लॉकर बना, उनका जो मेडल देखे तो बहुत ज़्यादा है, उनको कहीं पुलिस में जब भर्ती होने लगी DSP की इंस्पेक्टर की, उन बच्चों को कहीं कंसीडर नहीं किया गया। ये पॉलिसी के भाग हैं, ऐसे ही अब भी ऐसे ही है कि भी जो कंट्रोवर्सी हो रही है पॉलिसी में क्लियर नहीं किया गया, इसीलिए कंट्रोवर्सी हो रही है, अदरवाइज क्लियर कर दिया जाए अर्लियर तो पॉलिसी में अभी ये सुनिश्चित कर दिया जाए। विभाग के प्रमुख सचिव हैं अशोक खेमका, वो ये कहते हैं कि दायरा हमने बढ़ा दिया है, खिलाड़ी क्यों निराश या रोष है खिलाड़ियों में, वो सवाल से परे हैं। देखिए आज जो स्थिति है वो स्थिति तो सारे हरियाणा को पता लग रही है और खिलाड़ियों को सीधी सीधी पता लग रही है कि ये किस तरह से सरकार धोखा कर रही है खिलाड़ियों के साथ। चाहे किस तरह की भी बात करें, खेमका जी तो पहचाने जाते हैं अपने उसके लिए कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब अच्छा काम तो सामने आ रहा है नजर। वो उन्होंने खुद भी सवाल उठाए, टीका टिप्पणी भी की, लेकिन वो खुद के ऊपर भी टीका टिप्पणी हो गई, क्योंकि आप जब इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो सारी चीज आपके सामने खुल के कलई सामने आ रही है। तो ये भाजपा का जो काम है, ये सरकार का जो है काम, खिलाड़ियों के प्रति जो है जो संजीदा नहीं दिख रहा। वैसे भी इस मामले में ज्योति अगर आपको याद होगा, सबसे पहले ट्वीट जो है खेमका साहब ने किया था, और हालात उस वक्त ये थे कि जो खेमका साहब कह रहे थे खेल मंत्री उससे सहमत नहीं थे, शुरुआती हालात यहाँ तक थे। और खेमका साहब जो एक अधिकारी है, उनका काम है केवल जो सरकार की नीति है उसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन वो खुद नीति निर्माता बनने की कोशिश करते हैं जिस वजह से ऐसे हालात बिगड़ते हैं। और यहाँ पे सीधा सा देखिए, विधायिका के अंदर और अफसरों के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये आप लगातार देख रहे हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, प्रदेश की जनता परेशान है और अब इन्होंने खिलाड़ियों को परेशान कर दिया। साहब कोऑर्डिनेशन की जब तक बात आती है, पिछली बार भी हमने चर्चा की इसी विषय पर, तब तक खबर ये थी, अपडेट ये था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अप्रैल को कार्यक्रम होगा, खेल मंत्री की ओर से कहा गया कि तारीख निर्धारित नहीं की गई है, आज 25 अप्रैल को यह साफ कर दिया गया कि कार्यक्रम रद्द है। देखिए रद्द होना एक अलग बात है, कार्यक्रम होने वाला था, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है, और हम इसी चैनल पर चर्चा में थे, हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है बिल्कुल कार्यक्रम होगा, लेकिन अब ये स्थगित हुआ है। दूसरी बात देखिए, रद्द होना मीन्स फॉर एवर, खत्म नहीं, ये स्थगित किया गया है, ये स्थगित किया गया है, और इस पर ये कभी भी आगे सरकार जो भी फैसला लेगी वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कहते हैं अधिकारी और सरकार, खेल मंत्री क्या कहते हैं, अधिकारी तो सरकार के आदेश पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आने वाले समय में जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा वो कब किया जाएगा, कमल जी से क्या माने, आज 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 कब के लिए आज कोई तारीख बताना ये तो नामुमकिन है, क्योंकि देखिए विभाग तय करेगा। और बहुत सारे भाकर के पिता फोन लाइन पर जुड़े हैं, भाकर साहब बहुत स्वागत है बड़ी बात में। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप लोगों को सूचित किया गया विभाग की ओर से कि जो सम्मान कार्यक्रम जो होना था, सम्मान समारोह जो होना था, वो रद्द किया गया है या स्थगित किया गया है, कल लगी है, आप लोग बताइए। नहीं, हम लोग पानीपत पहुंच गए थे, हमें जो है कल सुबह 9 बजे पहुंचना है, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, और पानीपत पहुंच गए थे, वहां पे जैसे फोन पे कुछ मैसेज आए तो मैंने फोन किया DSO साहब को, और फिर उन्होंने बताया कि हाँ अभी अभी कैंसिल हुआ है, लेकिन हम पानीपत चले गए थे, फिर हम वापिस आए। जी गुरमीत साहब, ये मजाक तो कम से कम नहीं है, जिस तरह से खिलाड़ी देश का प्रदेश का नाम रोशन कर रखे थे, उसके बाद सम्मान समारोह स्थगित किया जाता है, ना सूचित किया जाना जरूरी समझा जाता है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि एक चीज का एक जैसे कहते हैं ना, एक मजा होता है ना, वो आपने खट्टा कर दिया एक बार, अब आप ऑन जो कोई चीज आप करके आए, वहां से मेडल जीत के आए, अब वो फंक्शन कब होगा, दूसरी बात हर चीज का एक समय है, अब आज कोई मेडल लेके आया, अब आप कहो जी महीने बाद हम उसकी डेट निकाल रहे हैं, तो वो जो बात होती है वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा कि उसका आपने अपने आप ही एक जो चार्म था, उसका आपने चार्म जिसे हम कहते हैं वो खत्म कर दिया एक तरह से कार्यक्रम का, है ना, और वो आपने, और जैसे मैंने कहा कि अपने अपनी क्लैरिटी, और मेरे को जहां तक अनुमान है, मुझे हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, कि सरकार इस मामले में जैसे कहते हैं ना, प्याज भी काए और दूसरी चीज भी है, वो वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इन्हें फैसला रिकंसीडर करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा मेरा अनुमान है
कि इन्होंने जो स्थगित भी किया है संभवतः इस वजह से किया होगा कि शायद इस मामले में पुनर्विचार एक बार फिर से सोच सकती है, बैकफुट पर आ सकती है किसी भी लिहाज से। देखिए तो सरकार की रिवायत रही है, आपने देखा इन्होंने अक्सर यू टर्न लिया है, इनकी पॉलिसीज क्लियर नहीं होती है और कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ता है, ये रिवायत रही है। लेकिन एक चीज सरकार को सोचना चाहिए, जो खेल और खिलाड़ी है ये राजनीति से दूर की चीज है, इसमें कतई किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने इनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना के दिया था, अच्छे खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश में निकलने शुरू हुए, जैसे गुरमीत जी ने बताया कि दूसरे प्रदेश भी कहते थे कि हरियाणा के बेहतर खिलाड़ी निकल रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे मेडल ले रहे हैं। तो सरकार को चाहिए था इन चीजों को राजनीति से दूर रखें, उनको बेहतर सुविधाएं जिससे कि और बढ़ावा मिले। आखिरी कमेंट, रेलवे की ओर से खिलाड़ी सम्मानित हो चुके हैं, क्या लगता है हरियाणा के खिलाड़ी कितना इंतजार करेंगे? देखिए हरियाणा के खिलाड़ी इंतजार करते रहेंगे क्योंकि ये सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार ने आज तक 3.5 साल में किसी वर्ग को कुछ नहीं दिया, सारे वर्गों को नुकसान करने का काम किया है, हर एक के साथ बांटो और राजनीति करनी शुरू की है, कभी इसको बांट दो कभी उसको बांट दो, इस तरीके से सरकार काम करती रही है और 3.5 साल निकल गए, 1.5 साल और निकलेंगे इसी तरीके से निकलेंगे। समय की बहुत कमी है, संक्षेप में क्या सरकार संशोधन करेगी अब खेल नीति में? बिल्कुल, देखिए ये स्थगित प्रोग्राम है और सरकार देखिए लोकहित में, जन सामान्य के हित में जो बेहतरीन फैसला होगा सरकार वो लेगी। दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस के साथी समय कम है, समय कम है, आरोप करते रहो, समय की बहुत कमी है, लोगों ने चेहरे देख करके बाजी साहब चलिए नौकरी चाहिए। मैं देखिए अनीशा खान, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कभी नौकरी दी थी इन्होंने। तो बड़ी बात में चर्चा ये की कि जो खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए हैं भले ही रेलवे की ओर से खेले हो, इनामी राशि में कटौती किया जाना कितना सही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।